नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मंथली राशिफल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है 5 नंबर की राशि सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर मास 2022 कैसा रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे गोचर ट्रांजिट के अंदर आपके राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट से। सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर है, पराक्रम भवन के अंदर। 16 नवंबर 2022 तक सूर्य का जो भ्रमण है आपके लिए बहुत शुभ है, साहस में वृद्धि करने वाले हैं। 16 नवंबर से सूर्य चलेंगे आपके सुख स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर सूर्य का फल शुभ नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो समय है जो सूर्य राशि से चौथे स्थान के अंदर चलने वाले हैं, तो सुख स्थान के अंदर जो सूर्य का फल शुभ नहीं होगा, जिसके इम्पैक्ट के अंदर आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई भी कार्य करना उचित नहीं होगा। लेना बेचना कुछ भी करना है, इसके साथ साथ हार्ट के जो पेशेंट हैं उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। और रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल और विवाहित जो जातक है इनको अपने इन लॉस ये सब के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। सूर्य के ट्रांजिट जो हैं वो 16 नवंबर तक तो आपके लिए बहुत शुभ है, जो नए साहस आपको करवाएंगे। लेकिन नक्षत्र का प्रेडिक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और 6 नवंबर से 19 नवंबर तक जो सूर्य का नक्षत्र होगा ये विशाखा नक्षत्र होगा, तुला विशाखा। 16 नवंबर तक तुला विशाखा, उसके बाद वृश्चिक विशाखा 16 से 19। तो ये विशाखा का जो ट्रांजिट है ये पर्टिकुलरली जिनका भी जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है सिंह राशि के अंदर, ये जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला नहीं है, जिसके चलते हुए नए साहस के अंदर कुछ प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो मघा नक्षत्र में जिनका जन्म का चंद्र है या जन्म का सूर्य है, ये दोनों जातकों को कोई बड़ा साहस करने से पहले 10-20 नहीं 50 बार सोच के काम करना चाहिए, अदरवाइज कुछ बड़ा लॉस बड़ा झटका आ सकता है। तो मंगल का जो ट्रांजिट है, मंगल अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, मिथुन में चल रहे हैं, और मंगल वक्री होकर वृषभ राशि में आने वाले हैं, यानी कि आपके लाभ स्थान में से निकलकर मंगल वन सेकेंड 10वें स्थान के अंदर चलेंगे। जो ट्रांजिट 13 नवंबर से लेकर 12 मार्च तक चलने वाले हैं, तो 10 महीना जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर हैं ये ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली है। जो कोई भी जातक मेडिकल पैरामेडिकल लैंड एस्टेट कंस्ट्रक्शन इत्यादि व्यवसाय हैं, मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड हैं, ये सब सेक्टर के अंदर जो पुलिस मिलिट्री इत्यादि क्षेत्र हैं, या तो उसकी कोई पैरेलल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ये जातकों के लिए एक्सट्रीमली शुभ परिणाम देने वाली ट्रांजिट होगी मंगल की, आपके कारोबार में और जॉब के अंदर प्रोग्रेस करने वाली होगी। राहु जो कि आपकी राशि से 9वें स्थान के अंदर है, भाग्य स्थान के अंदर राहु का ट्रांजिट शुभ फल देने वाला है, मघा वाले जातकों के लिए भाग्य में वृद्धि करने वाला है। और केतु का ट्रांजिट जो है आपके लिए साधक नक्षत्र में है, तो केतु का भी ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है, मघा वाले जातकों के लिए ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाली ट्रांजिट है राहु और केतु की। गुरु जो कि आपकी राशि से अष्टम स्थान में चल रहा है, जिसके चलते हुए पारिवारिक मामलों को लेकर फाइनेंशियल मैटर को लेकर केयरफुल रहना होगा, आँखों का विशेष केयर करना होगा, और ख़ास करके इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका विशेष केयर करना होगा, क्योंकि जो 8वां स्थान है ये इन लॉस का स्थान माना जाता है। और यहाँ पर जो ये ट्रांजिट है गुरु का, गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावति भाव दोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठ जाते हैं उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो विवाहित जातक हैं इनको अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा। लव मैटर के कारक शुक्र ग्रह का ट्रांजिट क्या कहता है आपके लिए, तो ये ट्रांजिट कुछ इस प्रकार है, जो शुक्र है ये
18 अक्टूबर से तुला राशि के अंदर भ्रमण शुरू कर चुके हैं, जो 11 नवंबर तक तुला राशि के अंदर हैं, यानी कि आपके पराक्रम भुवन के अंदर हैं, जो आपके लिए साहसिकता में वृद्धि करने वाले हैं, न्यू वेंचर में वृद्धि करने वाले हैं, सक्सेस करने वाले हैं। वो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुक्र वृश्चिक में चलेंगे सुख स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला है और सुख में अभिवृद्धि करने वाले हैं। बिजनेस टाइकून, बिजनेस के कारक ग्रह बुध का ट्रांजिट भी 26 अक्टूबर से तुला राशि में है पराक्रम भुवन में, ये भी बहुत शुभ है। 13 नवंबर तक जो बुध हैं आपके पराक्रम भुवन के अंदर हैं, 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक बुध चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, तो सुख स्थान के अंदर जो बुध का फल है ये भी बहुत शुभ है, तो बिजनेस कारोबार आपका बढ़ने वाला है। अब नवंबर मास के अंदर जो चौथा आठवां बारहवां चंद्र आपको आता है वो कौन कौन सा है वो भी चेक कर लेते हैं, जिसमें आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आठवां चंद्र होगा, जो डेट रहेगी 4, 5 और 6 नवंबर। तो आज 3 तारीख है, कल शाम को 6:21 को ये चंद्र अष्टम स्थान में मीन राशि में भ्रमण शुरू कर देंगे, तो 3 दिन रहेंगे 4, 5, 6। यहाँ पर चंद्र का अष्टम स्थान में होना आपके लिए शुभ नहीं है, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। उसके बाद जो चंद्र होगा वो आपका 12वां चंद्र होगा, कर्क का चंद्र होगा, जो डेट रहेगी 14, 15, 16, जिसमें चंद्र चलेंगे कर्क राशि के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और वंस अगेन आपको चौथा चंद्र होगा 23, 24 और 25 नवंबर, वृश्चिक के चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। यदि आपके कोई मित्र हैं जिनका जन्म हुआ है 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में, जिनके जन्म के सूर्य भी सिंह राशि के अंदर हैं, ये जातकों को भी ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें, क्योंकि जो ग्रहों का मेन इफेक्ट हमारे ऊपर होता है वो सूर्य से और चंद्र से होता है। सूर्य से हमारे ऊपर जो इफेक्ट हैं वो फिजिकल हैं, चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट हैं वो मानसिक हैं। तो यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों सिंह राशि के अंदर हैं तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी, आपका आने वाला समय शुभ रहे ऐसी शुभकामना के साथ मिलते हैं जल्दी फ्रेंड्स एक नए और प्रेडिक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।